हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसका बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल टेक्निकल्स, क्या आपको इसके शेयर्स खरीदने चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कितने दिन होल्ड करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या हमें कॉल करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उज्जीवन एक स्मॉल बैंक है जो कि फाइनेंस का काम भी करती है। अपनी स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रही इमेज को ध्यान से देखिए, इससे आपको इस बैंक के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, टैक्स सेवर FD खोल सकते हैं इस बैंक के साथ। अशोर्ड इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे। अगर आप स्नैपडील में परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लेटिना FD खोली और पाइए 7.65% तक के इंटरेस्ट, जो कि सभी बैंकों से ज़्यादा है। गोल्डन रेट से 7.5% के इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट रेट दे रही है आपको। अगर आप इसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये एक डिजिटल बैंक है, आप इनकी सभी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन कर ले सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, टू व्हीलर लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, सभी कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए कस्टमर टेस्टिमोनियल्स देख लीजिए, ये सभी सेटिस्फाइड हैं इनकी सर्विस से। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वीडियो जो आप देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं, उसकी उपयोगिता को भी समझ सकते हैं। ये वीडियो चलाकर आप एक बार देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट अक्रॉस 24 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, 24 प्रदेशों में ये सर्विस दे रही है कंपनी। यूनियन टेरिटरी में भी इनके ब्रांचेस हैं, जैसे 248 डिस्ट्रिक्ट हैं, 62.1 लाख कस्टमर्स बेस है इनके पास, 575+ बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं और 16,898 एम्प्लॉई स्ट्रेंथ है इनके पास। बहुत अच्छी बैंक है। इनके इनिशिएटिव देख लीजिए, इनिशिएटिव वीडियो, रिपोर्ट वीडियो, बिफोर एंड आफ्टर, ये देखिए। सोशल वर्क का काम करते हैं, जन जागरूकता का काम करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। क्विक लिंक है, ब्रांच लोकेट कर सकते हैं, ATM लोकेट कर सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर फाइंड कर सकते हैं। बेहतरीन बैंक है, कैसे निवेश करें इनके बैंक में और कैसे प्रॉफिट कमाएं, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। इनके देखिए भारी भरकम प्रोडक्ट्स हैं लिस्ट में, आप देख सकते हैं। फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, संपूर्ण फैमिली बैंकिंग है, लाइफ इवेंट्स बेस्ड बैंकिंग है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इंश्योरेंस है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑल इन वन सुविधा देते हैं, आपको लोन्स देते हैं, स्मार्ट बैंकिंग कर सकते हैं, जैसे पर्सनल नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, SMS एंड मिस्ड कॉल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, ATM, कैश डिपॉजिट मशीन भी है इनके पास। रिपे लोन्स कर सकते हैं आप, EMI से आप लोन पे कर सकते हैं, ये सुविधा भी ये बैंक देती है। चलिए इस बैंक में कैसे निवेश करें, कैसे इसके शेयर्स खरीदें, आप ग्रो की वेबसाइट में हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, करेंट मार्केट प्राइस है 16.35, 0.91% की गिरावट। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है ये, 1 वीक में 3.53% की गिरावट, 1 मंथ में 4.37% की गिरावट और 1 ईयर में 49.54% तक ये स्टॉक गिर चुका है। 3 ईयर्स में 72.09% गिर चुका है ये स्टॉक और 5 ईयर्स में 22.09% गिर चुका है। लेकिन ये इसका जो ग्राफ है वो है 19 दिसंबर 2019 से, इसका मतलब अभी इसको 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो 2 साल से कम समय में 72.09% ये स्टॉक गिर चुका है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए इनके परफॉर्मेंस, 52 वीक लो 14 रुपीज है, 52 वीक हाई 34.40 है। बहुत बड़ी तेज गिरावट हुई है इस बैंक में। चलिए इसका टेक्निकल चार्ट दिखाते हैं आपको, किस प्राइस पर एंटर करना चाहिए, किस प्राइस पर सेल कर देना चाहिए, आपको हम बताएंगे इसके टेक्निकल चार्ट के द्वारा। इस स्टॉक ने अपने 200 MA के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, 50 MA के सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। अभी इसमें आप रेड कैंडल देख रहे हैं, तो अभी और गिरावट हो सकती है स्टॉक में, तो
अभी आप पोजीशन बनाने से बचें, क्योंकि स्टॉक जो है लगातार गिरावट आ रही है। तो अभी RSI 36 का है, तो या फिर आप इसमें सिप शुरू कर सकते हैं। ये स्टॉक जितना गिर रहा है उसमें आप क्वांटिटी ऐड करते जाइए, तो जब इसमें स्टॉक में एक रैली स्टार्ट होगी, अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। 52 वीक लो 14 रुपीज का है, 52 वीक हाई 34.40 का है। एनालिस्ट का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में? 50% एनालिस्ट बोल रहे हैं बाय करके चलिए, होल्ड करने के लिए 17% बोल रहे हैं, सेल करने के लिए 33% बोल रहे हैं। बाइंग रेटिंग आ रही है स्टॉक में 50% की। 12 एनालिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है, सभी एनालिस्ट डिफिनेटिव से एग्रीगेट किए गए हैं। फंडामेंटल्स देख लिए, 2852 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो 343.82 का है, पीवी रेशो 0.94 का है, अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इंडस्ट्री पी 12.58 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.28 है, जो कि बहुत ही कम है। ईपीएस देखिए -2.34 का है, तो ईपीएस नेगेटिव हो चुका है। डिविडेंड यील्ड नहीं है, बुक वैल्यू 15.47 का है। फाइनेंशियल देख लीजिए, रेवेन्यू जो है तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन दिसंबर 21 में इनके रेवेन्यू में तेजी दिख रही है। प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट जो है जो नेगेटिव थे अब -33.83 पर पहुंच चुके हैं। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ में भी लगातार गिरावट जारी है। ईयरली देखिए, नेटवर्थ में तेजी दिख रही है, प्रॉफिट जो है बहुत कम हो चुके हैं 2021 में, और रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू में तेजी नज़र आ रही है। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर इतिरा पोनोली हैं। कंपनी स्थापित हुई थी 2016 में। एनएसई सिंबल उज्जीवन SFB के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 83.32% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 16.56% की होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.11% की होल्डिंग है। सिमिलर स्टॉक्स हैं बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, CSB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। बैंक में क्या न्यूज और इवेंट्स चल रही हैं हम आपको बताना चाहेंगे इवेंट्स के माध्यम से। देखिए, बोर्ड मीटिंग 5 फरवरी 2022 को हो चुकी है, डिविडेंड नहीं देती है ये बैंक। न्यूज क्या है हम आपको बताना चाहेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेज डिजिटल ऑनबोर्डिंग फॉर इट्स माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स। तो माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स के लिए इन्होंने डिजिटल ऑनबोर्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी है। नितिन कॉफ इज SBI हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग, इस तरह की न्यूज आ रही है। क्या टारगेट मिल सकते हैं अगर आप इस बैंक में निवेश करते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे। 52.47% फ्रॉम 52 वीक हाई। 52 वीक हाई से इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, 52.47% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। स्ट्रेंथ देखिए 7 है, वीकनेस 6, अपॉर्चुनिटी 7, थ्रेड 2, ब्रोकर एवरेज टारगेट बिलो इंडस्ट्री मीडियन है, 1 एक्टिव बाई है, 2 एक्टिव होल्ड है। तो 1 ब्रोकर 1 M रिकमेंडेड अपग्रेड। तो देखिए, जियोजिट BNP परिवार ने इसके टारगेट को डाउनग्रेड किया है, टारगेट दिया है 22 रुपीज का, और अभी इसमें 34.56% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। रिकमेंडेशन के बाद ये स्टॉक 8.9% गिर चुका है। स्टॉक मार्केट से अच्छी प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, रेजर पे का लिंक है। पेमेंट करिए, सर्विस एक्टिवेट करिए, अपना व्हाट्सएप नंबर ईमेल डालिए, हम आपको उन स्टॉक्स को रिकमेंड करेंगे जो आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं विथ जीरो रिस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।